मेरे सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं सीआरपी। आज चिकनगुनिया के बाद सीआरपी और ईएसआर अक्सर बढ़ जाते हैं। ये हमें इंडिकेट करते हैं कि हमारे अंदर कितनी इन्फ्लेमेशंस है या कितनी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, कितना सेप्टिसिमिया है। इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल। मेरे से हजारों लाखों लोग ये पूछते हैं, ओम सर, सीआरपी को नेचुरल तरीके से कैसे ठीक करें? क्या सीआरपी कुदरती हर्ब्स के द्वारा ठीक हो सकती है? इसका जवाब है हाँ। मैंने हजारों मरीज सीआरपी के नेचुरल तरीके से ठीक किए हैं। आप भी एक ऐसे लकी बंदे बन जाएं जो ठीक हो सकते हैं। कृपया मेरी वीडियो अंत तक देखें। सीआरपी हमें दर्शाती है कि हमारे अंदर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन कितनी है। तो यदि ये 3 से ज्यादा है तो ये दर्शाती है कि इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन। यदि ये बड़ी हुई है तो क्या नेचुरल हमारा लाइफस्टाइल हो और हम अपने दैनिक जीवन में कौन सी हर्ब यूज करें? सबसे पहले यदि आपकी सीआरपी बढ़ी हुई है, सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी, अपने बॉडी की शुद्धि करनी है। बॉडी की शुद्धि करने के लिए पानी को पीना है। हाइड्रेट योर बॉडी। पानी 13-14 ग्लास जरूर पीना है ताकि बॉडी पूरी हाइड्रेट रहे, हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकल सके। नेक्स्ट स्टेज एंटीऑक्सीडेंट्स, इसमें सबसे पहले आती है तुलसी, अजवाइन की पत्तियां, ग्लोए, हल्दी, दालचीनी पाउडर। इसके अलावा हम क्या लें? इसके अलावा हमें नीम, कड़ी पत्ता, जिसके अलावा हमें ग्लोए, परिजात की पत्तियां और सहजना की पत्तियां, ये बहुत ही गुणकारी हैं। फ्रूट्स इसमें अनार, पपीता, मौसमी, पाइनएप्पल्स, ये बहुत ही उपयोगी है। नारियल पानी 2 बार जरूर। जितने हम एंटीऑक्सीडेंट्स लेंगे उतना हमारी बॉडी में रेसिस्टेंट बढ़ेगी, इन्फ्लेमेशंस दूर होगी। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज 1 घंटा जरूर करें। ज्यादा जोर विग्रस एक्सरसाइज नहीं करनी, 1 घंटा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम, कपाल भाति, कुंभक प्राणायाम, भस्त्रिका बहुत ही लाभकारी है। इसके अलावा हमने अपनी नींद पूरी रखनी है, तनाव से बचना है, तो अपनी सोच को पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखनी है, अपनी सोच सकारात्मक रखनी है। आप प्रतिदिन थोड़ा सा ल्यूक वाटर करके अपने पैरों को उसमें 5-7 मिनट के लिए उसमें डालें, अपनी मसाज करें, मालिश आप सरसों के तेल की कर सकते हैं, तिल के तेल के कर सकते हैं, और
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, धूप में जरूर बैठे, धूप में जरूर बैठे। प्रायः सुबह जो धूप निकलती है उसमें अच्छे आपको विटामिन डी प्राप्त होते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही। मैं अपने सारे व्यूअर से कहना चाहता हूं, अपनी डाइट्स में रिफाइंड शुगर को परहेज करें, अल्कोहल का परहेज करें, रेड मीट का परहेज करें, स्मोकिंग ना करें, जंक फूड बिल्कुल ना खाएं। आज जंक फूड का और डाइट सोडा का ट्रेंड बन गया है, जी छोड़ दें। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ आप कर्म ही सीआरपी से छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद।